तो पिछले एपिसोड में हमने देखा, या तो क्लियर अकेलिया ढूंढने के चक्कर में ह्योरी एक फैंटम को ढूंढ लेती है जो कि हाथ धोकर उसके और यातो के पीछे पड़ जाता है, और इसी बीच यातो का हाथ भी एक तरह की अपवित्रता के चपेट में आ जाता है। पर आखिर में एक स्पिरिट के दिखाई देने पर यातो उसे अपना रकेलिया बनाकर उस फैंटम को मार देता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है, या तो कचरे में से एक जैकेट निकालकर युकिने को दिखाता है, जो देखकर युकिने कहता है ये कितना बचकाना है, जिस बात से या तो गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद युकिने को ठंड लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतारते हुए खुद से कहने लगता है, मुझे अभी भी ये फिजिकल चीजें महसूस क्यों हो रही है जबकि मैं कब का मर चुका हूँ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमे या तो युकिने को लंच में फिश खाने को देता है, पर अचानक से एक बिल्ली आकर उसे लेकर जाने लगती है और उस बिल्ली को रोकने के चक्कर में या तो उसे दुश्मनी मोड़ ले लेता है, जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और ये सब देखकर युकिने कहता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक देवता होने का मतलब है सड़कों पे आवाराओं की तरह घूमना, किसी पुराने मंदिर के पास सोना और रोजमर्रा की चीजें कचरे से उठाना। तभी उन दोनों को भूख लगने लगती है और युकिने कहता है, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम एक देवता हो? जो सुनकर या तो कहता है, क्या तुम्हें शक है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें या तो युकिने को ह्योरी की तरफ से ट्रीट देने के लिए लाता है, जिस वजह से युकिने कहता है ये तो जबरदस्ती है। फिर ह्योरी या तो से कहती है, मैं चाहती हूँ खाना खाने के बाद तुम मेरी प्रॉब्लम के बारे में भी कुछ करो। तभी एक वेट्रेस पानी लेकर आती है और या तो उससे कहता है, यहाँ 3 ग्लासेस की जरूरत है मिस। जो सुनकर वो वेट्रेस तुरंत यातो और युकिने को नोटिस करती है और माफी मांगते हुए और पानी लेने के लिए चली जाती है। तभी ह्योरी कहती है, मुझे तो लगा था लोग तुम्हें नहीं देख सकते क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। तो या तो कहता है, ऐसा नहीं है कि हम इनविजिबल हैं, बस हम पर ध्यान दे पाना काफी मुश्किल है। चलो तुम मुझे बताओ यहाँ कितनी वेट्रेसेस मौजूद हैं। जो सुनकर ह्योरी उनकी ओर देखने की कोशिश करती है पर या तो उसे देखने से मना कर देता है। फिर ह्योरी थोड़ा सोचकर कहती है, शायद 2, जिसके बाद उसे पता चलता है वहाँ पर असल में 4 वेट्रेसेस होती है। और या तो कहता है, बिल्कुल उनकी ही तरह मैं और युकिने भी बैकग्राउंड में मिल गए हैं, अगर कोई हम पर ध्यान भी देता है तो वो थोड़ी देर बाद हमें भूल जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम सड़क पे चलते हुए हर शख्स को याद नहीं रख सकती, अब दूर किनारों से होने की वजह से हम पर इसका असर थोड़ा ज्यादा होता है। जिसके बाद यातो और युकिने ऐसे खाना खाने लगते हैं जैसे मानो वो 100 जन्मों के भूखे हो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें युकिने ह्योरी को शुक्रिया कहने लगता है। तो ह्योरी कहती है, कोई बात नहीं, मेरा नाम है ह्योरी इक्की, तुम मुझे ह्योरी बुला सकते हो। तो युकिने कहता है, वैसे तुम उसे कैसे जानती हो? तो ह्योरी कहती है, दरअसल आजकल मेरी रूह जिस्म से निकलने लगी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ या तो मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। वैसे तुम या तो का रेगिलिया बनने से पहले क्या करते थे? तो युकिने कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं मर गया था, जिसके बाद मैंने अपने आप को उसके हाथ में पाया, मेरे पास उससे पहले की कोई यादें नहीं है। तभी उसके पास वही थोड़ी देर पहले वाली बिल्ली आती है, जो देखकर ह्योरी कहती है, क्या तुम्हें भी कैट्स पसंद है? तो युकिने हाँ कहता है और उसकी नजर ह्योरी के कॉलर बोन पर जाती है, जिससे वो शर्मा जाता है और अपनी नजरें फेर लेता है। पर तभी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही यातो को अपनी पीठ पर दर्द होने लगता है और वो युकिने से कहता है, अभी तुमने कुछ बुरा सोचा है ना? सुनो, देवता और रेगेलिया अपनी बॉडी और माइंड शेयर करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे हर बुरे ख्याल को भांप सकता हूँ। मैं समझता हूँ ये सब प्यूबर्टी का असर है, पर जरा अपने अरमानों पर काबू रखो यार। तभी यातो को किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो युकिने को लेकर जाने लगता है, पर उन्हें रोकने के चक्कर में ह्योरी की रूह भी उनके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर कोहरा छाने लगता है और एक एक करके कुछ लोग प्रकट होने लगते हैं, जो देखकर यातो कहता है, क्या तुमने हमें किसी जाल में फंसाने के लिए यहाँ बुलाया है? पर तभी एक शख्स कोई कविता कहते हुए वहाँ प्रकट होता है, जो देखकर ह्योरी कहती है, क्या ये देवता तेंजिन है, गॉड ऑफ लर्निंग? तो तेंजिन कहता है, ओह तुमने मुझे पहचान लिया, जिसके बाद ह्योरी और युकिने उसके सामने झुकने लगते हैं, जो बिल्कुल भी यातो से देखा नहीं जाता। फिर युकिने कहता है, एक असली देवता का ऑरा। तो ह्योरी कहती है, सही कहा, वैसे यातो आपसे बिल्कुल उल्टा है। जो सुनकर यातो को दिल में झटका लग जाता है, जिसके बाद तेंजिन यातो से उसके रेगिलिया का नाम पूछता है। तो यातो कहता है, इसका नाम है युकी, रेगिलिया के रूप में सिक्की और इंसान के रूप में युकिने। जो सुनकर तेंजिन कहता है, युकिने तुम अभी हाल ही में रेगिलिया बने हो है ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। जिसके बाद सुयु नाम की एक लड़की आकर युकिने से कहती है, एक रेगिलिया को अपने मास्टर की मौजूदगी में कभी भी किसी दूसरे देवता के आगे नहीं झुकना चाहिए। पर तभी ह्योरी कहती है, वाह
आपके पास तो काफी सारी मंदिर की लड़कियां भी हैं, जिसके बाद वो सभी लड़कियां एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती हैं। फिर तेंजिन कहता है, ये सब मेरे रेगेलिया हैं। जो सुनकर हियोरी तेंजिन की और तारीफ करने लगती है, जो या तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो तेंजिन कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी एग्जाम सीजन है और मैं काफी बिजी हूँ, इसीलिए क्या तुम मेरे लिए कुछ फैंटम्स का सफाया कर सकते हो। मेरा मतलब, वैसे भी तुम्हारे पास करने को कुछ है नहीं, मुझे ये भी पता है तुम बिना परमिशन के मेरे मंदिरों में सोते हो। चाहो तो मैं तुम्हें अपने ग्रुप में भी ज्वाइन करने दे सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ तुम अपना खुद का मंदिर बनवाना चाहते हो। जिसके बाद तेंजिन कुछ पैसे निकालता है, पर यातो के पास ज्यादा चेंज नहीं होता। फिर आखिर में तेंजिन से 5 येन का कॉइन मिलने पर यातो उससे कहता है, मतलब तुम्हारे पास शुरू से ही चेंज था। जिसके बाद तेंजिन अपने हाथ में रखे रेगेलिया को रिवर्ट करने लगता है, जो देखकर सुयु कहती है, आपको नहीं लगता गाइड करने के लिए हमें किसी और को भेजना चाहिए, मायू अभी इन चीजों में नहीं है। तो तेंजिन कहता है, सही कहा, पर मायू यातो को काफी अच्छे से जानती है। जिसके बाद हमें पता चलता है मायू और कोई नहीं बल्कि यातो की पुरानी रेगेलिया होती है, जिसे देखकर यातो शॉक हो जाता है और कहता है, दोमों ने तुमने इस आदमी को ज्वाइन कर लिया। तो मायू कहती है, मेरा नाम मायू है, मुझे अब मेरे पुराने नाम से मत बुलाओ। जिसके बाद वो युकिनी और हियोरी से कहती है कि वो यातो की पुरानी रेगेलिया थी। जो सुनकर हियोरी कहती है, क्या सच में, क्या वो अपना काम पूरा करता था। फिर युकिनी कहता है, घर खाना और कपड़े का क्या, क्या वो सच में एक आवारा देवता है। तो मायू हाँ कहती है, जिस बात से वो दोनों उदास हो जाते हैं। जिसके बाद यातो और मायू में बहस होने लगती है, जो देखकर हियोरी कहती है, क्या ये यातो की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो युकिनी कहता है, ये शायद एक्स वाइफ। लेकिन यातो और मायू इस बात से इनकार करने लगते हैं। जिसके बाद हियोरी तेंजिन से जाकर कहती है, आपने यातो को कुछ फैंटम्स को मारने के लिए कहा है, क्या वो इतने बुरे होते हैं। तो तेंजिन कहता है, हियोरी सच कहूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे जैसे क्रिएचर के होने की अनुमति देता हूँ, क्योंकि तुम बड़े आराम से हमारे और इंसानों के मामले में दखल दे सकती हो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें मायू कहती है, कुछ दिनों पहले किसी ने एक अजीब सी इच्छा मांगी, जब मैंने जांच की तो पता चला 2 लोगों ने पहले ही अपनी जान ले ली है। इस जगह पर हमेशा तूफान आते रहते हैं और उससे जो फैंटम्स आते हैं वो लोगों पर काबू कर लेते हैं, इसीलिए देवता तेंजिन ने यहाँ एक बैरियर भी बनाया है। पर कुछ लोगों पर फैंटम्स इतने हावी हो जाते हैं कि उन पर प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया भी बिल्कुल काम नहीं करती। जिंदगियों की बर्बादी है ये। जो सुनकर हियोरी कहती है, तो हमें बस उन फैंटम्स को मारना है जो लोगों पर कब्जा कर लेते हैं। पर तभी यातो कहता है, अगर कोई मरना चाहता है तो उसे मरने दो। तो मायू कहती है, तुम हमेशा की तरह घटिया ही रहोगे। जिसके बाद हियोरी यातो से कहती है, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं लगता। तो यातो कहता है, अगर कोई रूह आत्महत्या करना चाहती है तो इसका मतलब उस पर कब्जा कर लिया गया है, वो एक रेगेलिया तक नहीं बन सकती। जो सुनकर हियोरी अकेली ही फैंटम्स को मारने निकल पड़ती है, पर यातो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी मायू उसे याद दिलाती है कि उसे एडवांस पेमेंट मिल चुकी है। फिर युकिनी कहता है, क्या हियोरी को ऐसे अकेला छोड़ना ठीक होगा। तो यातो कहता है, चलो अपने पहले काम के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़के के कंधे पर एक फैंटम बैठा होता है, पर तभी हियोरी आकर उसका काम तमाम कर देती है। जिसके बाद काफी सारे फैंटम्स प्रकट होने लगते हैं और हियोरी उन सब का मुकाबला नहीं कर पाती। फिर वो फैंटम्स हियोरी को रेल की पटरी पर लेटा देते हैं और तभी सामने से ट्रेन आने लगती है, पर एंड मौके पर यातो आकर उन फैंटम्स को मार देता है। जिसके बाद हियोरी कूद कर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और यातो कहता है, तुम्हें याद है ना, अगर तुम्हारी पूंछ कट गई तो तुम मर जाओगी। दूसरी ओर एक लड़का उसी तूफान वाले रेल रोड क्रॉसिंग पर खड़ा रहता है और कुछ फैंटम्स उस पर हावी होने लगते हैं। तभी यातो कहता है, युकिनी, हमारा असली काम तो अब शुरू होने वाला है। जिसके बाद वो लड़का उस रेल रोड क्रॉसिंग को पार करने लगता है, पर यातो वहां से कूद कर कहता है, तुम जिसने इस उगते सूरज की जमीन को पवित्र करने की कोशिश की, तो अब मैं यातो गॉड सेकी के साथ तुम्हारे वजूद का अंत करता हूँ। और इसी के साथ यातो उस फैंटम का खात्मा कर देता है, पर उसके वार का आसपास की जगहों पर भी गहरा असर होता है। जिसके बाद यातो युकिनी को रिवर्ट करते हुए कहने लगता है, यार तुमने तो कुछ ज्यादा ही गहरा काट दिया। फिर रेल रोड क्रॉसिंग की दूसरी ओर से मायू यातो के सामने झुककर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जिसमें हियोरी यातो से कहती है, तुमने कहा था जो मरना चाहता है उसे मरने दो, पर आखिरकार तुम ऐसा नहीं चाहते है ना। तो यातो कहता है, नहीं तुम गलत हो, मैं बस किसी को इन लोगों के सामने मरने नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ जिंदगी दर्दनाक हो सकती है, पर लोगों को इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम वो जिंदा है। तभी हियोरी को यातो के कुछ देर पहले की एक बात याद आती है, अगर कोई रूह आत्महत्या करना चाहती है तो इसका मतलब उस पर कब्जा कर लिया गया है,
वो एक रगेलिया तक नहीं बन सकती। जिसके बाद ह्योरी अपने मन में कहती है, रगेलिया ये कितने जवान और मासूम हैं। अगर इनमें से किसी ने भी अपनी जान नहीं ली तो इसका साफ मतलब है ये अभी भी जीना चाहते हैं। इसीलिए या तो किसी को इन लोगों के सामने मरने नहीं देना चाहता। जिसके बाद ह्योरी रोने लगती है और युकिनी के उसे देखने पर यातो को दोबारा दर्द का एहसास होता है और वो कहता है, अश्लील युकिने। पर तभी उसका ध्यान ह्योरी की तरफ जाता है और उसे रोता देख वो युकिने को इसका जिम्मेदार मानने लगता है। तो ह्योरी कहती है, मैं ठीक हूँ, बस मेरी आंखों में कुछ चला गया है। फिर हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें युकिने को ठंड लगने लगती है और तभी यातो उसे एक जैकेट देता है जो उठाकर उसे पता चलता है कि ये तो वही बचकाना सा जैकेट है। फिर यातो कहता है, अपने पहले काम के हिसाब से तुमने काफी बढ़िया किया। जिसके बाद युकिने उस जैकेट को ओढ़कर सो जाता है और एक लड़की उन्हें दूर से देख रही होती है।